से कुछ था, कुछ न्यू चीजें थी जो आपने सुनी हैं, जैसे कि एडेप्टिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, डेफ ओलंपिक क्या होते हैं, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ दिस. ठीक है, दिस वाज रिगार्डिंग द एडेप्टिव एजुकेशन, अडॉप्ट करना, किसी चीज को लेना, कैसे लेना. दिस वाज फॉर द पीपल हु आर नॉट प्रॉपर और इन अ परफेक्ट मैनर हैविंग सम और अनदर डिसेबिलिटी. दोज हु आर हैविंग सम और अदर डिसऑर्डर्स, उनके लिए जो जिंदगी में आए हैं, उनके लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं हर इंसान के लिए, उन्हें भी उसका मोटिव या उसका आनंद देना चाहिए. इसलिए अडेप्टिव एजुकेशन जो है वो रखी गई है. इंक्लूसिव इसीलिए रखी गई है ताकि वो भी आम लोगों के साथ रहें और अपनी क्वालिटीज, हिडन क्वालिटीज जो है, या जो लोगों को नहीं पसंद पता है उन चीजों के बारे में उनका पता चले. सॉरी, इनके रूल्स, इनके इक्विपमेंट्स, इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, इनकी लो एस्टीम को हाई करना, ताकि दे कैन फील अ गुड इन द सोसाइटी एंड दे वांट टू स्टैंड इन दिस सोसाइटी. इंक्लूसिव स्टडी और अडेप्टिव स्टडी का यही है. और फिर मॉडिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग, वेदर इट्स अ इक्विपमेंट और अ रूल्स इट देयर, वो है. इनके सुधार के लिए हमारे पास काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे थेरेपिस्ट हैं अलग अलग, ठीक है, इंस्ट्रक्टर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, जो माइनर या वेरी लेस प्रॉब्लम जो है जिनको उनके ठीक करने में हेल्पफुल होते हैं. आज हम करेंगे थोड़ा सा एथलेटिक्स के बारे में बेटा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने एथलेटिक्स के बारे में आपको बताया था. एथलेटिक्स है क्या चीज है? व्हाट इज एथलेटिक? कैन एनीवन टेल व्हाट इज एथलेटिक्स एंड हु इज एथलीट? स्पोर्ट्स, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स. वहां पर स्पोर्ट्स नहीं आएंगे, वहां इवेंट आएगा. पहला वर्ड एक दिमाग में रख लो, एथलेटिक के साथ हमेशा इवेंट्स होता है, एथलेटिक इवेंट्स होते हैं. ठीक है, इसमें से मैक्सिमम जो है दैट इज अ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेस्ड. इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है, ठीक है. इनमें से बहुत कम ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें ग्रुप की जरूरत है, जिसमें से टॉप मोस्ट पर ट्रैक के आती हैं रिले रेस. ठीक है, एक रिले रेस ऐसा है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फोर पर्संस का होता है, चार ने मिलकर एक रेस को कंप्लीट करना होता है. उसके अलावा जो भी एथलेटिक्स के, ठीक है, इवेंट्स हैं, उनमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं ये चीजें. ठीक है, रनिंग के जो या ट्रैक इवेंट्स जो होते हैं बेटे, इसमें ट्रैक इवेंट जो हैं, इसकी खासियत यह है कि इसमें अगर ज्यादा मेंबर्स हों या पार्टिसिपेंट्स या कंटेस्टेंट ज्यादा हों तो हीट्स करवाई जाती हैं टू रीच द फाइनल्स. ठीक है, वेयर एज इन थ्रोइंग एंड जंपिंग इवेंट्स देयर आर द अटेम्प्ट्स, वहां पर अटेम्प्ट्स होते हैं, एक एक को तीन तीन अटेम्प्ट्स जो हैं वो दिए जाते हैं अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट शो करने के लिए. रनिंग में ऐसा नहीं है एक बार ही भागे, यहाँ पर ये जरूर होता है, ये प्रिलिमिनरी या हीट्स होती है. हीट्स का मतलब है व्हेन सो मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर एंड एज वी ऑल नो दैट ट्रैक्स आर इन अ 8 or 9 लेन्स इन द इंटरनेशनल और नेशनल में 8 लाइनें या 6 लाइनों का जो प्रैक्टिस ट्रैक होता है वो होता है. वहां पर इतने सारों को एक साथ नहीं दौड़ाया जाता है, इसलिए उसके लिए क्या जरूरी होता है, उसके लिए हीट्स जरूरी होती हैं. उनमें से जो फाइनल होते हैं उन्हें चूज कर लिया जाता है फाइनल के लिए. ठीक है, जो बेस्ट परफॉर्मर होते हैं उन्हें फाइनल के लिए चूज कर लिया जाता है. जो
जम्स हैं या थ्रोस हैं? इसमें थ्री थ्री चांसेस दिए जाते हैं, उसके बाद भी क्या होता है कंडीशन, अगर फॉर एग्जांपल कहीं पर टाई हो जाए तो नेक्स्ट राउंड्स जो हैं वो उनके बीच में चलते रहते हैं, ठीक है, जब तक कि बेस्ट हमें या पोजीशन विनर नहीं मिल जाता। इज इट क्लियर बेटा? अगर आपने ओलंपिक देखी हो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि ये लाइव और वेरी शॉर्ट पीरियड पहले हुआ है, अगर उसमें आपने या हाइलाइट्स में देखा हो तो जो डिस्कस थ्रो के या शॉर्ट पुट थ्रो के या हैमर थ्रो के या जैवलिन थ्रो के, दिस कम्स अंडर द थ्रोस, ठीक है ना बेटा, ये फील्ड इवेंट के अंदर आते हैं, ये दोनों फील्ड इवेंट के अंदर आते हैं और ये रनिंग ट्रैक इवेंट के अंदर आता है, जितनी भी रन्स हैं, ठीक है बेटा, जो ट्रैक पर की जाती हैं। अब इसके अंदर क्या है फील्ड इवेंट्स के, तीन का मैंने जैसे आपको बताया है, तीन तीन अटेम्प्ट होती है, उसके बाद भी अगर इन केस देयर इज अ टाई तो राउंड्स उनके बार बार चलते हैं। अब इसमें एक और चीज है, अगर डिस्क्वालीफाई हो गया, डिस्क्वालीफाई का मतलब है कि उसने फर्स्ट राउंड में जैसे आपने देखा होगा जो जैवलिन थ्रो फेंक रहे थे या जो शॉर्ट पुट फेंकते हैं उन्हें लग रहा था कि हमारी ये बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है, इनके कुछ सर्टेन रूल्स आर देयर, जैसे ये शॉर्ट पुट का बेटे एरिया है, इज इट विजिबल टू यू ऑल, आपको नहीं हो रहा तो उधर आ जाओ बेटा, ठीक है, ये शॉर्ट पुट का एरिया है, दिस इज अ हाफ कॉल डायमीटर, एक बात को ध्यान से सुन लो, आ जाओ बच्चे इधर, उधर नहीं दिख रहा, एंट्री हमेशा फ्रॉम द बैक, एग्जिट फ्रॉम द बैक, कभी भी यहाँ से एंट्री नहीं और एग्जिट नहीं हो सकता, यहाँ से एंट्री फर्स्ट हाफ में से नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद इसे कहते हैं सेक्टर 37.9 डिग्री का होता है, ठीक है बेटा, इसे कहते हैं हम सेक्टर, व्हेन एवर द थ्रोअर इज देयर शॉर्ट पुट जो है उसे डिलीवर करता है, पटिंग करता है जब एथलीट, तो उसका थ्रो जो है इसके इन बिटवीन इस वी के अंदर ही आना चाहिए तभी वो काउंट होगा, अगर इस सेक्टर से बाहर चला गया तो उसकी वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगी, चाहे वो कितनी भी उसने अच्छी परफॉर्म की हो, चाहे बैड की हो चाहे गुड की हो, दोनों ही कंडीशन है उसकी वो काउंट में नहीं होगी। अब आपने ये जरूर देखा होगा ओलंपिक में जो जैवलिन थ्रो फेंक रहे थे उसका एक्चुअली पैटर्न अलग है लेकिन सेक्टर ही होता है उसमें भी, उन्होंने क्या किया, दे एंड द वे यहाँ पर एक शॉर्ट पुट में वुडन लगा होता है जिसे स्टॉप बोर्ड कहते हैं, ठीक है, व्हाइल परफॉर्मिंग शॉर्ट पुट क्या होता है, कई बार जब हम उसे डिलीवर करते हैं या पटिंग करते हैं तो इम्बैलेंस होके हम बाहर, हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर इक्विलिब्रियम में नहीं रहती और बाहर को कई बार निकल आती है, और कई बार क्या होता है जो कंटेस्टेंट है उसका हाईएस्ट वही स्कोर जा रहा हो तो उसके लिए वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है क्योंकि उसे काउंट नहीं किया जाता। इसलिए क्या करते हैं कि अगर बेस्ट है पहले तो रूल्स को फॉलो करो, और नॉर्मली जो नेशनल या इंटरनेशनल के वो देखते हैं हमारा थ्रो तो अंडर द उसके गया है जितनी क्वालिफाइंग थी, तो वो इंटेंशनली भी कई बार इसे क्रॉस कर जाते हैं, व्हाई कि ये हमें एक और अटेम्प्ट मिल जाएगा इसकी जगह, समझ में आ गया बेटा। जैवलिन थ्रो, जैवलिन थ्रो का आपने आप अगर देखा हो उसका एरिया जो था दिस वे, ये 7 सेंटीमीटर की स्क्रैच लाइन थी जहां से उन्होंने क्या करना था, थ्रो करना था, दिस इज कॉल्ड अ रनवे, और आपने देखा होगा कई उस पर काउंटिंग कर रहे थे फुट की भी कि मैंने कहाँ से दौड़ के और कितनी स्पीड से आना है, इसका बेसिक क्या है, जब हमने लॉन्ग जंप लेना हो या कुछ लेना हो तो बेटे रनवे में हमने अपना ये 30 to 40 meters तक का होता है रनवे का, कई लेते हैं उसमें वो क्या है अपने बॉडी का मोमेंटम बनाते हैं, ठीक है, स्लो मिडल एंड फास्ट,
फॉर द लॉन्ग जम्प आई एम टेलिंग, नॉट फॉर द जेवलिन थ्रो. और उसके बाद क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन से वो पिट में जंप करते हैं. व्हाई? व्हेन यू आर इन अ स्पीड, मोमेंटम में होगी बॉडी तो तुम्हारी बॉडी अपलिफ्ट ज्यादा होगी, स्लो में तुम्हारी बॉडी लिफ्ट कम होती है. जो लॉन्ग जंप करते हैं ना, लॉन्ग जंपर होते हैं, उनका ये काउंटिंग होता है स्टेप की, मैंने कितने काउंट तक स्लो करना है, कितने में मेरी मेडल आएगी और कितने में मैंने अपनी पूरी एक्सेलरेशन के साथ कर देना है ताकि मेरी बॉडी लिफ्ट हो और मेरा जंप जो है वो अच्छे तरीके से. ठीक है, वीडियोस देखो इसकी, यू विल गेट टू नो. इनके अलग अलग पैटर्न भी होते हैं. ठीक है, जैवलिन थ्रो में भी वैसे ये सेक्टर है जहाँ पर थ्रोज या आते हैं वहां पर सेक्टर होता है जिसके बीच में उन्होंने अपनी डिस्कस है, जैवलिन हो है, हैमर है, शॉटपुट है, ये सारी थ्रोज जो है वो उसके अंदर ही फैंटनी होती है सेक्टर के अंदर, बाहर हो तो डिसक्वालीफाई हो जाता है. इतनी बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है लेकिन देखा नहीं था, अब शायद तुम्हें समझ में ये आ जाए. ट्रैक की फॉर्मेशन, ठीक है, इलिप शेप में होती है. आपने अगर, अब तो बहुत सारी आ रही है फोटो में, देख लेनी थी. इस पैटर्न में 9 लेंस होती है बेटा, ठीक है, इस तरीके से जितने फील्ड इवेंट्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं. ठीक है, शॉर्ट पुट जो है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ठीक है, पोल वॉल्ट है, ये सारे जो फील्ड एरिया उसका इंटीरियर का होता है वहां पर होते हैं. ट्रैक इवेंट जो है वो ऑब्वियसली ट्रैक की लेंस में होता है. ठीक है, ट्रैक इवेंट में हम किस किस को काउंट करते हैं, स्प्रिंट्स, शॉर्ट स्प्रिंट्स जो है, ठीक है ना, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, मिडिल डिस्टेंस रेसेस, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, हर्डल्स एंड स्टिपल चेस वगैरह. जहाँ पर हर्डल्स जो होते हैं वो वाटर बॉडीज 7 होती हैं और बाकी के हर्डल्स स्टिपल चेस में कितने होते हैं, उसमें टोटल 35 हर्डल्स होते हैं जिनमें से 7 वाटर बॉडीज होते हैं, बाकी दूसरे होते हैं और ये 3000 मीटर की रेस होती है. ठीक है, ये पूरे एक ट्रैक का राउंड जो है 400 मीटर का होता है बेटा, इसे लैप कहते हैं. क्या कहते हैं? लैप. अगर को ना ही हैज कंप्लीटेड 1 लैप, इट मींस उसने 400 मीटर का कर लिया. अगर स्टैंडर्ड ट्रैक है 200 मीटर का, उसका मतलब एक ही है कि सर्कल एक पूरा चक्कर लगा लिया है. ठीक है, अब इसमें एक और चीज है, ये थोड़ा रब कर दूं, गंदा सा हो गया, समझ नहीं आएगा. आपने कभी ध्यान दिया होगा, अगर नहीं भी दिया है तो घर जाकर ट्रैक की पिक्चर खोल के देख लेना, नहीं तो मैं. उसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होती है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होती है, उसके बाद डॉटेड लाइंस शुरू हो जाती है कर्व की. ठीक है, अब ये क्या है, यहां तक नहीं. जब 200 मीटर की रेस करनी होती है ना बेटा, वी नीड अ हाफ ट्रैक. यहां से यहां तक 100 मीटर का है, यहां से 200 मीटर का है. अब 200 मीटर के ट्रैक में स्टार्टिंग सबको एक साथ तो दे नहीं सकते, क्योंकि ये तो क्लोज टू द सर्कल है, इसका तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, सेकंड वाले का थोड़ा बढ़ जाएगा. जो 9th, 7th, 8th और 9th लेना है वो बच्चे तो बहुत भागेंगे फिर. इसका मतलब इसके लिए स्ट्रैगर्स होते हैं 7.04 से लेकर अलग अलग डिस्टेंस में बच्चों को या पार्टिसिपेंट्स को खड़ा किया जाता है ताकि इनका सबका डिस्टेंस इक्वल रनिंग में. ठीक है, लॉन्ग 400 मीटर या 800 मीटर में क्या होता है, पहला लैप जो है वो हमेशा अपनी लेन में लगाना होता है और उसके बाद कटिंग्स के साथ सारे एक ट्रैक पर आ जाते हैं. ठीक है, ये इसके कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने होते हैं. यस, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? समझ में आ रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चे? नाउ लेट अस सी समथिंग मोर अबाउट दिस.
एक वर्ड आता है वो इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट सारा ही है, एक्सचेंजिंग जोन। ये वर्ड कहां पर यूज होता है? कैन एनीवन टेल एक्सचेंजिंग जोन कहां पर यूज होता है? एनी वन ऑफ यू एक्सचेंजिंग जोन कभी नाम सुना है? बताया था मैंने पूरा, रिले रेस में होता है, ठीक है, 22-25 मीटर्स के इन बिटवीन का होता है, ठीक है। नाउ लुक हियर, ठीक है, एक यहां पर खड़ा है, एक यहां पर खड़ा है, एक यहां पर खड़ा है, और लास्ट वाले ने आकर कंप्लीट करनी है, मान लो रेस, ठीक है, ऐसे क्लियर बेटा। ये वाला 10 मीटर तक पीछे आ सकता है टू होल्ड द बैटन। स्टार्टर इसने दिया है, इसके हाथ में क्या है, एक से सवा एक फुट की एक लंबी स्टिक है जिसे बैटन कहते हैं, उसे पकड़कर इस रनर ने दौड़ना है। इसने इसके साथ इसको पकड़ के, क्योंकि इसकी भी स्पीड या मोमेंटम बॉडी का पूरा बना हुआ है, इसके लिए एकदम रोकना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। और उसके लिए ये थोड़ा सा पीछे भी आ सकता है 10 मीटर तक, या आगे को 10 मीटर भाग सकता है। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडिंग जोन, 20 मीटर to 25 मीटर तक की होती है। या ये भाग कर उसे, वो दौड़ रहा है, उस धीरे धीरे उसको पकड़ा कर, ठीक है, उसने अपनी स्पीड बना लेनी है और नेक्स्ट को देना है। ऐसे ही इसने या पीछे आके लेना है या आगे दौड़ते हुए लेना है, जैसे उसको लगे कि इसकी स्पीड कम है, मेरी फास्ट है तो टोटल टीम है ना 4 का, तो वो उस हिसाब से बैटन को पकड़ लेते हैं। जहां पर बैटन पकड़ाया जाता है एक दूसरे को या दिया जाता है, उसे एक्सटेंडिंग जोन। क्लियर हो गया बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई आप सबको। अब आता है लॉन्ग जंप, ठीक है, लॉन्ग जंप। दौड़ने का जगह, रनवे, अप्रोच टुवर्ड्स द पिट, ये है स्क्रैच लाइन या टेकिंग ऑफ बोर्ड, कुछ भी बोल सकते हो उसे। जहां से लिफ्ट करके पार्टिसिपेंट जंप लगाता है, ये सारी रेत से बनी हुई होती है ताकि जगह में चोट ना लगे। इसका सबसे मेन रूल क्या है बेटा, व्हेन अ कंटेस्टेंट और द एथलीट जंप, उसका आगे की तरफ गिरना बेनिफिशियल है रादर देन पीछे की तरफ उसका सिर लगे, क्योंकि नियरेस्ट टू द टेकिंग ऑफ बोर्ड से उसके डिस्टेंस की काउंटिंग होती है। यहां पर खड़ा है या दौड़ के आ रहा है, यहां से उसने जंप लगा दिया, अगर तो आगे की तरफ गिरा है, तो उसका विच इज द नियरेस्ट पार्ट टू द बोर्ड है हमारी बॉडी का, उसी को हम काउंट करते हैं, चाहे वो हमारे पैर हो। और कई बार क्या होता है, बच्चे गिर जाते हैं तो उनके सिर से या हाथ और पीछे लग जाते हैं, या हम गिरते समय हमारे हाथ पीछे लग गए, तो हमारी काउंटिंग वहां से होगी, ना कि हमारे स्टेप से होगी कि हमने तो छलांग यहाँ तक लगाई थी। क्लियर बेटा, ये इसका रूल है, इसलिए इस पे टेक्निक्स फॉलो होती है। साइक्लिक है, ठीक है, सेलिंग है, ये अलग अलग तरीके की इनकी टेक्निक्स होती है जिनको फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई बेटे सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? प्रमोद जी की क्लास मेरे को लगता है खत्म होने पे ही आते हैं, लेट हिम जॉइन इट टुडे आस। क्लियर बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई है, अब आगे चलें।